हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मन कहगी थी खत्म रे तुम्हारी दिकाटा रे मारे दिल वाली बस्ती में कर गी सन्नाटा रे तू बंदी थी पर रोड इब को ना तेरी लोड रे मारे तेरा हमने तो माड़ा सोच के तू रह गी रे रे तू रह गी रे रे तू रह गी रे स्कूटी न्यू है गांव में हंडाती देख तेरे यार अमेरिका पहुंच गए रे तू रह गी रे स्कूटी न्यू है गांव में हंडाती देख तेरे यार अमेरिका पहुंच गए नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा न्यूज आपके लिए हर दिन हरियाणवी सिंगर लेकर आता है ताकि आप घर में ही अपने मनपसंद गाने सुन सके और अपनी बोरियत को दूर भगा सके। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसे सिंगर को लेकर आए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। नाम है गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट ने कई मशहूर हरियाणवी गाने गाए हैं, तो चलिए आपको मिलाते हैं गजेंद्र फोगाट से। गजेंद्र फोगाट जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन बाद दे रहा हूँ लेकिन मौका आज मिल रहा है तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और हमारे माननीय हमारे परिवार के बड़े बहुत सीनियर कवि हमारे कलाकारों के हृदय के स्पंदन और माननीय हमारे दो बार के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पे आप सभी को उनकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और हम सब की ओर से उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल, हालांकि सुरों की महफिल है लेकिन आज अटल साहब की पुण्यतिथि है तो मैं चाहूंगी उनको याद करते हुए कुछ हो जाए सर। हाँ, उनको उन्होंने तो अपने जीवन में इतना लिखा, मतलब पूरे देश को संचालित करने के अलावा अगर कविता के लिए उन्होंने समय निकाल दिया तो मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कलाकार हो तो एक कलाकार के लिए तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। सो मनुष्य होना भाग्य की बात है और कलाकार होना सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। तो उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, मैं उनमें से कोई भी कविता आपको सुना देता हूँ। स्वागत है सर। देखिए आज जब कोरोना से पूरी दुनिया त्राहिमान त्राहिमान कर रही है तब ये कविता कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जीवन में एक बहुत बहुत बड़ा एक सहारा लेके आ सकती है अगर ये सोचा जाए तो। के आओ फिर से दिया जलाए भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतर मन का नेह निचोड़े अंतर मन का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुने गाए ओ फिर से दिया जलाए ओ फिर से दिया जलाए हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल वर्तमान के मोह जाल में वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए आओ फिर से दिया जलाए आओ फिर से दिया जलाए आहुति बाकी आहुति बाकी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा अंतिम जय का वज्र बनाने
नव दादीची हड्डियां गलाए आओ फिर से दिया जलाए आओ फिर से दिया जलाए। तो बहुत कमाल की उनकी कविताएं, पहली कविता तो मैंने इसीलिए सोचा कि आप सभी को ऊर्जा से भरी हुई कविता सुनाई जाए। इसके अलावा भी उनकी बहुत कविताएं हैं जो हम बात करते करते साथ साथ गुनगुनाते और गाते रहेंगे। बिल्कुल गजेंद्र जी, अटल साहब का ऐसा कवि हृदय रहा, उन्होंने ऐसा उनके कलम से ऐसी कविताएं जो है निकली हैं, ऐसे महान वो कलमकार रहे हैं कि पत्थरों में भी वो जान फूंक दे, ऐसी कविताएं उनकी तरफ से लिखी गई। और बहुत ही बेहतर शुरुआत आपने हमारे सुरों की महफिल की। लेकिन साथ में हम अटल साहब को भी याद करेंगे, लेकिन साथ में महेंद्र सिंह धोनी का एक ऐसा फैसला जिन्होंने जिसने क्रिकेट प्रशंसकों को एक तरीके से कहीं ना कहीं दुखी कर दिया कि बहुत जल्दी ले लिया क्या इन्होंने संन्यास, या थोड़ा और खेलना चाहिए था, या इस तरह से इनको संन्यास नहीं लेना चाहिए था। तो क्या धोनी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये महेंद्र सिंह धोनी का नितांत निजी फैसला है। अगर माही को अगर किसी ने धोनी बनाया था, वो है इस देश के प्रशंसक, इस देश के क्रिकेट के खिलाड़ियों के प्रशंसक। तो मुझे लगता है कि उन्हें फैसला लेने से पहले अपने प्रशंसकों के लिए कोई मेल या ट्वीट छोड़ना चाहिए था कि क्या मैं अभी ले लूं संन्यास या नहीं। बस ये थोड़ा सा दुखद है कि उन्हें बनाया देश की जनता ने, लेकिन फैसला उन्होंने स्वयं से ले लिया। थोड़ा सा इस बात का दुख है। मुझे लगता है कि जो भी महान लोग होते हैं या जो भी प्रसिद्ध लोग, विख्यात लोग होते हैं, समाज के जो हीरो होते हैं, उनकी उनका निजी जीवन, निजी विचार और निजी उनके निर्णय वो बहुत कम महत्व रखते हैं। लोगों की उनके प्रति सोच ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि लोग इन्होंने बनाया होता। तो धोनी को थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बहुत जल्दी कर गए वो, उन्हें देश की जनता से पूछना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने ले ही लिया है फैसला, तो ठीक है। बिल्कुल, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी इंस्टाग्राम पे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल की मेरी कहानी है, इसमें काफी कुछ हुआ अपने लिए भी, उनके लिए भी जो चले गए। इस गाने के अगर हम बोल पर जाए तो जो चले गए उनको भी ट्रिब्यूट था। अपने बारे में तो उन्होंने कह ही दिया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। आने वाले खिलाड़ियों का भी उन्होंने स्वागत किया, उनके इस अंदाज पर अगर आप कुछ उन्हें सुनाना चाहें। बिल्कुल सुना दूंगा, लेकिन इससे पहले ये कहना चाहूंगा कि जब जब किसी भी महान या किसी भी बहुत बड़े व्यक्ति ने अपनी बात को रखना चाहा, तो उन्हें कविता का सहारा लेना पड़ा। जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरह से एक बहुत ही संक्षिप्त दो पंक्तियों में ही अपना सारा सार कह देते थे, जिस तरह से पंडित तुलसीदास ने छोटी सी बात में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, जिस तरह से हमारे हरियाणा के भी हमारे कवि रहे दादा मेहर सिंह शहीद सैनिक थे, उन्होंने अपनी छोटी सी बात में ही बहुत बड़ी बातें कह दी, या हमारे पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, धनपत सिंह। मैं ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के जितने भी साहित्यकार हैं, उन्होंने एक बहुत अलग विधा दी है सभी लोगों को कि अपनी बहुत लंबी चौड़ी बात को संक्षिप्त में कहें। तो अच्छा किया धोनी ने कि उन्होंने कलाकारी का सहारा लिया। मैं तो ये कहता हूं कि जीवन के किसी भी दौर में, किसी भी संकट या खुशी के दौर में, जब भी किसी महान व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति को कोई भी अगर बात सूझेगी, तो वो पद्य या शायरी के रूप में ही सूझेगी, ये पक्का है, क्योंकि ये देश उत्सव का देश है। मैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ, जो मेरा अभी नया गीत आया, यार तो चले। अभी मेरा गीत आया है, हमने उसे लंदन में शूट किया है, यार तो चले। आप उसकी कुछ वीडियो की झलक भी दर्शकों को दिखा सकते हैं आप चाहे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा वीडियो है। तेरे शहर की धड़ा तू भी झूठी पाई है, हम सेंटिमेंटल बालक थे तुहाई रे, तेरी छोटी सोतर ख्वाब बड़े जहां तेरे हवाले, तेरा तेरा लंदन तन है मुबारक यार तो तले, तेरी दुनिया तने मुबारक यार तो तले, मेरे ख्वाबा के घर में तन लगा दिया ताला, तू यारा ने बदले से कपड़िया की धारा, और कितन्या ने मारेगी इब तो शर्माले, तेरी दुनिया तने मुबारक यार तो तले, तेरी दुनिया
दुनिया तन है मुबारक यार तो तले तेरे शहर की ढाला तो भी दुखी पाई रे। जब भी किसी व्यक्ति का विचार उसे छोड़ता है, जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई भी ऐसा संशय आता है जीवन के प्रति, जब भी किसी आदमी की भावना ये समझ जाती है कि असली सार ये नहीं था, तो उसे वो चीजें झूठ लगने लगती है जिन चीजों के लिए उन्होंने कभी संघर्ष किया होता है, लड़े होते। धोनी को भी आज क्रिकेट में कुछ चीजें इरिलेवेंट लगी, कुछ चीजें झूठ लगी, तो उन्होंने विचार कर लिया कि इससे संन्यास लेना चाहिए। जीवन से संन्यास भी लोग इसी तरह से लेते, इसीलिए मैंने लिखा था कि तेरे शहर की डाला तू भी झूठी पाई रे, तो उन्हें सब झूठा सा लगा। बिल्कुल, और ये गाना हमने देखा YouTube पे काफी पसंद किया गया इस गाने को, और इसको जितना प्यार मिल रहा है लोगों का वो बताने के लिए बहुत है कि गजेंद्र फोगाट का ये गाना लोगों तक किस तौर पे पहुंचा है और लोग कितना सुन रहे हैं इस गाने को। इसके साथ ही वो गाना जिससे दर्शकों में आपने सबसे पहली दफा जगह बनाई, उनके दिलों तक आप पहुंचे कानों से होते हुए, ऐसा आपको क्या कौन सा गाना लगता है कि जिसने लोगों तक आपकी पहुंच बनाई? 2005-06 में मेरा गाना आया था यो पानी अच्छा का दिन बात तो आया ना, वो बड़े ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। आज भी हरियाणा का युवा उसे गुनगुनाता है, और ये तो चलिए 13 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आज से 100 साल के बाद भी अगर हरियाणवी और देसी भाषा समझने वाला कोई भी शहर का या गाँव का या किसी कस्बे का युवक अगर अपनी प्रेमिका के बिछो में दुखी होगा तो वो यही गीत गुनगुनाएगा, ये मेरा दावा है। मैं आपको सुनाता हूँ वो गीत थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। हो मेरी कुछ तलग थी जो गया भुलाया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना, हो मजबूर गई कर सपने टूर गई। देखिए महेंद्र सिंह धोनी पे भी ये बात लागू होती है उनके प्रशंसकों की ओर से, बिल्कुल, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पे भी होती है। हो मजबूर गई कर सपने टूर गई, दिन मेरे है भी दूर गई, तख्ती ही मेरे तख्ती मेरे सुपन्या की, तख्ती ही मेरे सुपन्या की, तन लिखना आया ना, ओ तख्ती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना। ओ मेरी कुछ पहला गई थी, मेरी कुछ पहला गई थी जो गया भुलाया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना, यो पानी अच्छा का बिन बात तो आया ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा गाते हैं आप फोगाट साहब। लगातार दर्शक जो हैं वो फरमाइश पहुंचा रहे हैं कि उन्हें आपसे गाना सुनना है, और ज्यादातर जिस गाने की डिमांड है वो बहु काले की गाना सुनना चाह रहे हैं आपसे। चलिए बहु काले की सुनाता हूँ, और ये हर्ष का विषय भी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय की वो बहु काले की जो गाना है वो व्यूज के मामले में अगर हम सारे सोशल मीडिया चैनल्स को देखें और शेयरिंग को देखें तो वो 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। बिल्कुल, अकेले एक यूट्यूब चैनल पे ही 51 करोड़ उसके व्यू हो गए हैं। 1 करोड़ व्यू तो मेरे खुद के चैनल पे गजेंद्र फोगाट के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे उसी पे ही हो गए हैं उसके एक लाइव शो के। सो प्रदेश का पहला ऐसा गाना हो गया जो एक साल में एक ही चैनल पे 51 करोड़ व्यू लेके आया है। बहुत गाया और सुना जाता है सर ये गाना। जी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे फोड़े कर्म भी तो लेने हैंडसम कहवे था को लेने, हो मेरे फोड़े कर्म भी तो लेने हैंडसम कहवे था को लेने, घड़ी
मोटी रिश्वत खा रहा था, घनी मोटी रिश्वत खा रहा था, सती बात कर रहा था साले की, मन कवे बहु सब काले की, दाल डाट तू मने बता, तने कौन कहे बहु काले की, मैं खाल तार लू साले की, दाल डाट तू मने बता, तने कौन कहे बहु काले की, मैं खाल तार लू साले की, कदे सोरा मैं भी सुथरा था ना, काला राम ते उतरिया था, कदे छोरा मैं भी सुथरा था ना, काला राम ते उतरिया था, जमींदारे मैं शक्ल बदल दी, जमींदारे मैं शक्ल बदल दी, छोरे सहल निराले की, तने कौन कहे बहु काले की, दाल डाट तू मने बता, तने कौन कहे बहु काले की, मैं खाल तार लू साले की, तू मंगेगी मैं वो ला जू, तेरी सेवा पानी सुनठा जू, गजेंद्र कर दे मौज तेरी, अजय कर देगा ते मौज तेरी, तू जान से रोहतक आले की, तने कौन कहे बहु काले की, दाल डाट तू मने बता, तने कौन कहे बहु काले की, मैं खाल तार लू साले की। बिल्कुल यार तो चल रहे, आपने जब गाया सर मैं तभी आपसे फरमाइश करने वाली थी, एक गाना आपका यारा पे चाम की जूती करके आया था, और काफी उसे लोग सुनना पसंद कर रहे थे, अगर आप वो सुनाएं। एक गाना आपका सूट और प्लाजो के उसमें है, एक फीमेल सिंगर के साथ है हालांकि वो, लेकिन हम चाहेंगे अगर दो दो लाइन आप गुनगुना दे तो। आप बहुत तेजी से फरमाइश करती जा रही हैं सर, गजेंद्र फोगाट रोज मिलते नहीं है चैनल पे। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारे गीत याद है जी। दरअसल कलाकार को तो एप्रिसिएशन चाहिए, वो लोग आप लोग मीडिया के माध्यम से देते ही हैं। हरियाणा न्यूज तो बहुत कलाकारों को बहुत सपोर्ट करता है। हरियाणा न्यूज ने कुछ समय पहले चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों से जो है हम सब कलाकारों को सम्मानित भी करवाया था, उसके लिए मैं हरियाणा न्यूज को बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो एक गाना और एक गाना लक्ष्य शर्मा जी हमारे मित्र हैं, उनका भी एक गाना बहुत अभी ट्रेंडिंग हो रहा है, मैंने आज अपनी फेसबुक से शेयर किया है जी। सुशांत को लेके, तो वो गाना भी मेरा अनुरोध है कि आप जरूर लक्ष्य जी को दिखाइएगा, लक्ष्य शर्मा जी ने बहुत कमाल का गाया है। खैर अभी आपने मुझे जिक्र किया था कि मैं ग्यारह पचाम की जुटी सुनाऊं, मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल सर। यारा पताम की जूती, तेरे एडिडास के जूते, तेरे शहर में बजे स्पीकर, मेरे गांव में भोसे कुत्ते, हम खावा बाजरा तू मांगेगी नान डार्लिंग, हम खावा बाजरा तू मांगेगी नान डार्लिंग, दादा तेरी मेरी बाजे को न्यातान डार्लिंग, दादा तेरी मेरी, दादा तेरी मेरी बजे को न्यातान डार्लिंग, तू बटर चिकन भी मांगेगी, हम घने दूर इन फंडिया ते, तू आमलेट की शौकीन से, मेरी मां ने नफरत अंडिया ते, तू बटर चिकन भी मांगेगी, हम घने दूर इन फंडिया ते, तू आमलेट की शौकीन से, मेरी मां ने नफरत अंडिया ते, तू डाल सुपारी ताबे जा से पान डार्लिंग, जाजा तेरी, जाजा तेरी, जाजा तेरी मेरी बजे को न्यातान डार्लिंग, जाजा तेरी मेरी बजे को न्यातान डार्लिंग, हम घी का चूरमा खान आले, तने शौक से टिक्की सटा का, हम घी का चूरमा खान आले, तने शौक से टिक्की सटा का,
क्यों डॉक्टर अफसर कया करे तने छोरा चाहिए जाटा का, क्यों डॉक्टर अफसर कया करे तने छोरा चाहिए जाटा का। तू हर कोठी मर खेत में टूटी छान डाली, हर कोठी मारे खेत में टूटती छान डार्लिंग, जज तेरी मेरी बजे कोन तहन डार्लिंग, हो जज तेरी मेरी बजे कोन तहन डार्लिंग। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना के इस दौर में आज जब हर कलाकार या दुनिया के हर हर बिजनेसमैन, हर उद्योगपति, हर हर वर्ग के ऊपर एक असुरक्षा का संकट छाया हुआ है, ऐसे संकट में भी हमारे जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के कलाकार, मुझे एक टाइटैनिक फिल्म का एक सीन याद आता है, और ये हाँ। ये एक सच्ची घटना है। जब टाइटैनिक डूब रहा था जी, तो उसके जो म्यूजिशियंस थे, उसके जो वायलिनिस्ट और आठ म्यूजिशियन लोग थे, जिन्होंने टाइटैनिक को डूबते डूबते भी स्वयं को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने म्यूजिक बजाना जारी रखा। टाइटैनिक डूब गया, वो भी म्यूजिक बजाते बजाते डूब गए। आज कोरोना के काल में हम कलाकार भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके और गाते बजाते आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये दुनिया चाहे तैरे चाहे डूबे, लेकिन हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल, डूबना नहीं है, बहुत ही ये कठिन समय है और सबको मिलकर लड़ना है। हम लड़ भी रहे हैं और इस कोरोना से भी बहुत जल्दी पार पा लेंगे सर। लेकिन ये दाद देने वाली बात है कि हम जो है आप लोगों को सुन पा रहे हैं, और यही हमारी कोशिश भी है सुरों की महफिल के इस कार्यक्रम के जरिए कि लोग अपने घरों में बैठे रहें, सुरक्षित रहें, और वहीं से टीवी पर आप लोगों को सुने। और इसीलिए हम आज गजेंद्र फोगाट को टीवी पर लेकर भी आए हैं। अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं इस कार्यक्रम के। अटल साहब की पुण्यतिथि है, तो एक मैं चाहूंगी एक कविता या कोई शेर अगर आप उन्हें समर्पित करना चाहें सर। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बहुत बहुत विख्यात कविता है, उनमें से मैं तो कुछ भी नहीं सुना पा रहा हूँ। मौत से ठन गई, तो उनके तो कमाल लिखते थे वो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर गीत रहा गाता हूँ, चलता ही जाता हूँ। एक आपको एक और नई कविता सुनाता हूँ। मौत से ठन गई, 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 जूझने का मेरा, जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मौत मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यों लगा जिंदगी बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल का नहीं, मैं जी भर दिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा पूछ के मैं क्यों डरूं, तू दबे पाओ चोर सिपे से सामने से वार कर मुझे आजमा, सामने से वार कर मुझे आजमा, मौत से ठन गई, 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 मौत से ठन गई,
मौत से संग बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दो हरियाणा की भजन की पंक्तियां जो अभी आने वाला है मेरा, के भाई रे कोई मत करी करियो मरो, एक दिन सबने जाना होगा यो जग बैरी छोड़। भाई रे कोई मत करियो मरो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही सुंदर आपने इस महफिल को चार चांद लगाने का काम किया। और मौत से ठन गई जो कविता आपने सुनाया अटल साहब का, जब वो ये कहते हैं कि मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, ये वो पंक्तियां हैं जो जहन में अंदर तक हिला देती है हमें कि नहीं डरना नहीं है, यही जिंदगी ऐसे ही जीना है। मुझे याद है ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब उनको किडनी के ऑपरेशन के लिए कहा था डॉक्टर ने, उनकी नींद उड़ गई थी और उस नींद उड़ा देने वाली घटना ने इस कविता को जन्म दिया था। बहुत शुक्रिया सुरों की महफिल में आने के लिए गजेंद्र फोगाट जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।